आज सरकार प्रदेश में 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराने में भी सफलता प्राप्त हुई। फखरुल हसन जी, फिर से आपके पास आ रहा हूं मैं। आप सवाल जवाब दे रहे थे उस बात का, जब मैंने सवाल पूछा कि इसका लाभ आपको इलेक्शंस के दौरान नहीं मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफी आसानी से वो इलेक्शंस जीत पाई। गठन के साथ ही एसडीएमए के माध्यम से बेहतरीन प्रशिक्षण और आपदा में भी कम से कम जनधन की हानि हो, इस पर भी सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे को सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र, सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग लेकर के और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने, विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने और विधान परिषद में माननीय सभापति विधान परिषद ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी। देखिए किसी भी दल को और किसी